नमस्कार, ऐसे न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में वो महान शख्सियत मौजूद हैं जिनको सुनने के लिए, देखने के लिए हजारों लाखों की तादाद में भीड़ लगती है। शशि भूषण जी एक ऐसे क्रांतिकारी गायक हैं जिनको सुनने के लिए लाखों लोग पहले से ही मौजूद हो जाते हैं। शशि जी, आप हमारे स्टूडियो में, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद आपका। बहुत आभार आपका भी, बहुत बहुत हृदय से आभार। अधिकतर आपके प्रोग्रामों में देखने में आता है कि आपका कोई भी मंच होता है उसमें आप ललई सिंह यादव की जरूर बात करते हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि ललई सिंह यादव जो थे वो कौन थे और क्या था उनका इतिहास, उस पर नज़र डालें। देखिए, जिक्र करें अगर ललई सिंह यादव का, क्यों जिक्र करता हूँ मैं, तो मुझे लगता है कि बाबा साहब के जो एक साथी थे और बाबा साहब उन्हें अपना गुरु भी मानते थे, आदर्श भी मानते थे, पेरियार रामास्वामी, उनके शिष्य ललई सिंह यादव थे। और ललित सिंह यादव का जिक्र ना हो तो पेरियार का जिक्र बहुत अधूरा रहता है, और पेरियार का जिक्र अधूरा रहता है तो कहीं ना कहीं बाबा साहब की उस चेतना यात्रा में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो उस चेतना यात्रा में भी बहुत अधूरापन रहता है अगर ललित सिंह यादव का नाम न रहे। और ललित सिंह यादव की बात करें तो ललित सिंह यादव का जन्म 1911 में कटारा गाँव में, जो रेलवे स्टेशन कानपुर के झिझक के पास पड़ता है, वहाँ एक छोटे से संपन्न यादव परिवार में हुआ। हालांकि उनका परिवार काफ़ी संपन्न था और वहाँ के लोग उन्हें और उनके पिताजी को चौधरी करके संबोधित करते थे, चौधरी ललित सिंह। लेकिन ललित सिंह जी जैसे जैसे बड़े हुए और धीरे धीरे जैसे उन्होंने अपना आगे स्कूली कदम रखा, तो 1928 में उन्होंने उर्दू को लेकर मिडिल पास की और 1929 से 31 तक फॉरेस्ट गार्ड में वो रहे। और उसके बाद ललित सिंह जी की शादी दुलारी देवी के साथ हुई और 1933 में सशस्त्र पुलिस कंपनी में कांस्टेबल पद पर रहे ललित सिंह यादव। और उसके बाद में एक क्षण ऐसा आया कि ललित सिंह यादव जब सेना से रिटायर हुए तो उन्हें टीवी की बीमारी हो गई और वो बिस्तर पर पड़े हुए थे, और जब वो बिस्तर पर थे और दवाई ले रहे थे तो उन्होंने एक सूचना पढ़ी कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 6 दिसंबर 1956 को नागपुर की जो भूमि है वहाँ बौद्ध धर्म की दीक्षा लेंगे। क्योंकि ललित सिंह यादव बहुत क्रांतिकारी थे, उन्होंने अपने जीवन काल में अपने डिपार्टमेंट में बहुत सारे आंदोलन उन्होंने किए, कई बार उन आंदोलन के कारण जेल भी गए। तो ये आंदोलन करना, अपने हकों के लिए लड़ना, ये उन्होंने बाबा साहब से सीखा। और जब उन्होंने सुना कि बाबा साहब बौद्ध धर्म की दीक्षा ले रहे हैं तो वो बहुत दुखी थे, खाट में पड़े थे, टीवी की बीमारी थी। और जैसा मैंने अभी बताया कि वो कांस्टेबल भी थे सेना में, तो इस कारण उनका इलाज एक अच्छे से अस्पताल में चलता रहा और जिसके कारण वो जल्दी स्वस्थ हो गए। जब ललित सिंह यादव स्वस्थ हो गए तो उन्होंने घोषणा की कि मैं भी, बाबा साहब ने जिन भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली है मैं दीक्षा लूँगा। और साथियों, ललित सिंह यादव ने भंते चंद्रमणि से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और बौद्ध हो गए। और जिस दिन वो बौद्ध हुए उन्होंने घोषणा की कि आज के बाद मुझे कोई चौधरी नहीं कहेगा, आज के बाद मुझे कोई ललित सिंह यादव नहीं कहेगा, आज के बाद मुझे किसी जाति या धर्म से संबंधित नाम से नहीं पुकारा जाएगा, आज के बाद मैं बौद्ध हूँ, अगर किसी को प्यार से सम्मान के साथ मेरा नाम लेना है तो ललित सिंह बौद्ध के नाम से मुझे पुकारे। ये ऐसी शख्सियत थी कि जिसने ऐसी घोषणा कर दी। एक बार का जिक्र मैं आपको बताता चलूँ कि महाबोधि महाविहार के लिए दिल्ली के प्रदर्शन एक दिल्ली में किया जा रहा था, और उस प्रदर्शन में अकस्मात से ललित सिंह यादव भी थे और मेरे पिताजी भी थे। तो मेरे पिताजी ने ललित सिंह यादव को वो थोड़ा आगे चल रहे थे तो ललित सिंह यादव जी कह के संबोधित किया, कहा यादव जी रुको मैं भी पीछे आ रहा हूँ। तो सम्मानित साथियों, उन्हें बहुत दुख हुआ, गुस्सा भी आया, और उन्होंने गुस्से में एक ऐसा शब्द इस्तेमाल किया कि जिसका जिक्र किया तो जा सकता है लेकिन थोड़ा सा अटपटा लगता है। उन्होंने कहा, क्या आपने मुझे अभी हिजड़ा समझ रखा है? ये यादव तो हिजड़े हैं, क्या आपने अभी तक मुझे हिजड़ा समझ रखा है? मैं बौद्ध हूँ, मुझे बौद्ध कहिए। और मेरे पिताजी ने उनसे गलती मांगते हुए कहा है, बौद्ध जी गलती हो गई, आज के बाद मैं आपको यादव संबोधित नहीं करूँगा, आप बौद्ध हैं, मैं आपको बौद्ध ही संबोधित करूँगा। ऐसे से थे ललित सिंह यादव। एक जिक्र और आपको दिलाता याद चलूँ कि ललित सिंह यादव बड़े
उदार व्यक्ति थे, उनके अंदर कितनी मानवता भरी हुई थी। ललित सिंह यादव ने बताया पिताजी को कि एक बार उनके गांव में सूखा पड़ गई, और जब सूखा पड़ गई तो ललित सिंह यादव के एक मित्र थे मंगल सिंह, लेकिन गांव के लोग वाल्मीकि होने के कारण, भंगी होने के कारण उन्हें मंगलिया कहकर बुलाते थे। तो आलम यह हुआ कि सभी के कुएं सूखने लगे और पानी कम था, तो मंगलिया को पानी की परेशानी हुई, और मंगलिया जब यादवों के उन कुएं के पास पहुंचे तो यादवों ने पानी भरने से मना कर दिया। फिर ललित सिंह यादव क्या करते थे कि उनका पानी भी खुद भरते थे और अपने घर रखते थे, और फिर ललित सिंह यादव के घर से मंगलिया अपने घर के लिए पानी ले जाते थे। लेकिन ललित सिंह यादव ने कहा कि इस चोट पर भी अगर प्रहर नहीं किया तो ये जो परंपरा है सदियों तक चलती रहेगी, इसको मिटाने का काम मैं करूँगा। तो ललित सिंह यादव ने ब्लॉक में जाके, जिला अधिकारी के पास जाके और एक कुआं लगवाने का फैसला किया, जिसमें उन्होंने बहुत सारा योगदान किया। ललित सिंह यादव ने खुद अपना आर्थिक सहयोग दिया उसमें, और ब्लॉक से एक कुआं लगने की मंजूरी हो गई और कुआं बन भी गया, और ये कुआं पर्सनल मंगलिया वाल्मीकि का था। और फिर वही वक्त आ गया कि अब दोबारा फिर सूखा पड़ी, और इस बार जब सूखा पड़ी तो कुछ हद तक पानी यादवों के कुएं का भी सूख गया, और अब लोगों के सामने सिर्फ मंगलिया का कुआं बचा था, और लोगों ने सोचा कि अब मंगलिया के कुएं से पानी भरते हैं। तो ललित सिंह यादव ने कहा कि मंगलिया, अगर कोई भी यादव तेरे पास कुएं पर भरने पानी आया तो उसे पानी भरने देना। मंगलिया घबराया, कहा चौधरी साहब ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं मना कर दूँ। कि नहीं, अगर तूने मना नहीं किया तो मैं बैठा हूँ, फिर मैं तेरी पिटाई लगाऊँगा। अब मंगलिया क्या नहीं करता, और जैसे ही सब यादव इकट्ठे होकर आए, और मंगलिया ने कहा कभी तुम मेरे कुएं को नहीं छुओगे, क्योंकि तुम्हारे छूने से मेरा कुआं छूत हो जाएगा। अब यादव परेशान थे, और सारे यादव समझ गए कि ये मंगलिया तो बोल नहीं सकता, इसे ललित सिंह ने बुलवाया है। तो सारे यादव इकट्ठे हुए और ललित सिंह यादव के पास पहुँचे। पहुँचने के बाद बोले कि चौधरी साहब, क्या अब ऐसा ही होगा, अब हम भूखे मरेंगे गांव में, प्यासे रहेंगे? तो ललित सिंह यादव ने बड़े सम्मान और आदर सत्कार के साथ कहा कि एक वक्त था मंगलिया के कुएं का पानी सूख गया था, तो तुम लोगों ने कहा था कि अछूत हो जाएगा, और मैं पानी अपने घर लेकर जाता था और मेरे घर से मंगलिया लेकर जाता था, तो भाई आज अगर तुम्हारे छूने से उसका भी कुआं पवित्र हो सकता है, कि जब उसके छूने से आपका हो सकता है तो आपके छूने से उसका भी कुआं पवित्र हो सकता है। इसका निवारण एक शर्त पर हो सकता है कि आप सभी गांव वाले ये बात भरी पंचायत में कहें कि आज के बाद गांव में कोई भी सामूहिक शादी होगी, कोई भी फंक्शन होगा, उसमें मंगलिया और उसके परिवार के लोग तुम्हारे साथ बैठकर खाएंगे, और मंगलिया के घर में कोई शादी या समारोह ऐसा होगा सामाजिक, तो उसमें आप सभी बैठकर खाएंगे, कोई छुआछूत या इस तरह का नहीं रहेगा, तो मैं आपको मंजूरी दिला सकता हूँ मंगलिया से, वरना आप कहीं दूर से या कहीं और से पानी ला सकते हैं। ललित सिंह ने एक बात और कही कि जब मैं मंगलिया के घर का खाता हूँ, उसके घर की चाय पीता हूँ, उसके साथ खाना खाता हूँ, जब मैं अछूत नहीं हुआ तो आप सब कैसे अछूत हो जाओगे? तो सारे यादवों ने, उस गांव के सारे यादवों ने संकल्प लिया कि आज के बाद हम मंगलिया के साथ कोई ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे। और उस दिन के बाद ऐसे प्रयोद्धा ने पूरी अपनी निष्ठा और बलिदान के साथ इस छुआछूत जातिवाद को ख़त्म किया। तो ऐसे थे ललित सिंह यादव। एक बात जिक्र और घटना का आपके सामने करूँगा कि जब ललित सिंह यादव अपने गुरु की किताब पढ़ रहे थे, क्योंकि तमिल भाषा में उनकी किताब थी, किताब का नाम था सच्ची रामायण, पेरियार रामास्वामी ने लिखी थी, और जब ललित सिंह यादव ने उस पुस्तक को पढ़ा तो उन्होंने अपने गुरु यानी रामास्वामी से पूछा कि गुरु जी, क्या इसका अनुवाद मैं हिंदी में कर सकता हूँ? तो उन्होंने कहा हाँ, आप इसका हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं। और ललित सिंह यादव ने वो तमिल भाषा में लिखी किताब अपने घर ले आए और उसका हिंदी अनुवाद करने लगे। और जब हिंदी अनुवाद हो गया तो ललित सिंह यादव फिर अपने गुरु के पास गए और कहने लगे, गुरु जी क्या मैं इसको हिंदी अनुवादित मैंने कर दिया है, क्या मैं इसको छब्बा के उत्तर भारत में भी प्रचार प्रसार कर सकता हूँ? तो रामास्वामी ने उन्हें आदेश दिया कि आप इसके लिए स्वतंत्र हैं और इसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। लौट कर आने पर
ललित सिंह यादव ने लखनऊ में, कानपुर में, यहाँ तक कि दिल्ली में भी कई प्रिंटिंग प्रेस वालों से संपर्क किया और उस किताब को दिया कि ये किताब छपनी है। लेकिन जैसे ही प्रेस वाले उस किताब को पढ़ते तो मना कर देते कि नहीं, इस किताब को हम नहीं छापेंगे, क्योंकि ये तो हमारे ही जो धर्म है उसके विरुद्ध है, तो हम इस किताब को नहीं छापेंगे। अब ललित सिंह यादव के सामने एक बहुत मुसीबत आ पड़ी थी कि जिस पुस्तक का अनुवाद उन्होंने बड़ी मुश्किलों के साथ किया है वो छप नहीं रही है, कौन छापेगा? तो उन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस लगाने का फैसला लिया। अब ललित सिंह यादव घर से निकल पड़े प्रिंटिंग प्रेस लगाने के लिए। प्रिंटिंग प्रेस इतनी महंगी थी कि इतने पैसे उनके पास नहीं थे, तो ललित सिंह यादव ने उस प्रिंटिंग प्रेस को लगाने के लिए अपने खुद की 14 बीघा ज़मीन बेची और उस प्रिंटिंग प्रेस को लगाया और उस पुस्तक को प्रकाशित किया। अब पुस्तक छपकर उनके हाथों में थी, लेकिन जैसे ही पुस्तक मार्केट में आई तो वहाँ के जिला जो जज है उन्होंने उस पुस्तक को रोक लगा दी। अब ललित सिंह यादव हाई कोर्ट इलाहाबाद पहुँचे। हाई कोर्ट इलाहाबाद में केस चलने के बाद में, बहुत जिरह होने के बाद में, उस किताब से वो बैन हटा और उन्हें उसका कुछ हर्जाना भी बतौर मुआवजा बतौर उन्हें मिला। और अब ललित सिंह यादव की वो किताब मार्केट में सभी लोगों को लिए पढ़ने के लिए उपलब्ध थी, जो हिंदू धर्म के लिए एकदम बहुत ज़्यादा प्रहर करती थी। लेकिन ललित सिंह यादव यहाँ तक भी हिम्मत नहीं हारे, उस प्रिंटिंग प्रेस को चलाते रहे। उन्होंने कई काव्य नाटकों की रचना की, सम्मुखवध, अंगुलीमाल, इस तरीके के कई नाटकों का उन्होंने किताबें लिखी, मंचन किया। और जाते जाते ललित सिंह यादव ने उस प्रिंटिंग प्रेस को भारतीय बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश के लोगों को सुपुर्द कर दिया और कहा कि आप, मेरे पास इतना टाइम, वक्त और मेरे पास इतनी ऊर्जा नहीं है कि मैं इस प्रिंटिंग प्रेस को चला सकूं। तो उन्होंने उस भारतीय बौद्ध महासभा को दे दिया कि आप इस प्रिंटिंग प्रेस को चलाइए और बौद्ध धम्म और बाबा साहब का प्रचार प्रसार के लिए किताब। तो ऐसी शख्सियत ललित सिंह यादव का मैं जिक्र कर रहा था। कहते हैं गिरते हैं शहशवारे मैदाने में जन्मे, वो क्या खाक गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। तो ऐसे थे ललित सिंह यादव, जिनकी पूरी हिस्ट्री छोटे से एपिसोड में बताई हमारे शशि भूषण जी ने, जो एक क्रांतिकारी गायक हैं और हर एक जगह के अंदर देश विदेशों में उनकी आज गायकी धूम मचा रही है। आप हमारे स्टूडियो में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका, सभी दर्शकों का एक बार तहे दिल से बहुत बहुत आभार। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।